Hi everyone, welcome to Current Crunch. Today we are starting a new playlist in which we'll be covering the Comprehensive Sociology book by Nitin Sangwan. ठीक है, ये इस सीरीज में हम ये एंटायर बुक कवर करेंगे. तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए या स्टेट पीएससी स्टूडेंट्स के लिए या आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए. जहां भी सोशोलॉजी आपका सिलेबस बनता है तो ये बुक आपके लिए डेफिनेटली काम आएगी. इसमें हम कवर करते हैं काफी कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सोशोलॉजी के. इसका फायदा ये भी है कि यूपीएससी सिलेबस डायरेक्टली एज इट इज डिटो वर्ड टू वर्ड इसमें कवर्ड है. इस बुक में पार्ट ए में आपके 10 चैप्टर्स हैं और पार्ट बी में 15 चैप्टर्स हैं, और इन 25 चैप्टर्स में आपका इंटायर सिलेबस जो है वो सोशोलॉजी का ऑप्शनल का वो कवर हो जाता है. फाइन, ये अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 इंडिविजुअली देखो तो ये आपका सिलेबस है सोशोलॉजी का. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डायरेक्टली गेट इन टू इट. हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर से, सोशोलॉजी द डिसिप्लिन. इसमें जो टॉपिक पहले नितिन सर ने दिया है सोशल एवोल्यूशन, आपके सिलेबस में ये सोशल एवोल्यूशन नहीं लिखा है, पर इसमें आपका बेसिक जो है सोशोलॉजी का वो कवर होता है. तो देखो, ये जो सोशोलॉजी है ये दो वर्ड से डराइव हुआ है. ठीक है, एक है आपका सोशस एंड सेकेंड इज योर लॉजी. लॉजी आपको पता होगा, आपने काफी बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा जैसे आपका बायोलॉजी, जूलॉजी. तो लॉजी मीन स्टडी ऑफ, ठीक है, और सोशियस आपका होता है कंपेनियन. कंपेनियन क्या हुआ? पीपल, योर फ्रेंड्स दैट यू इंटरैक्ट टू ऑन डेली बेसिस, जो फॉर्म करते हैं आपका सोसाइटी. तो आप बोल सकते हो उस सोसाइटी को स्टडी करना, उन कंपेनियंस को स्टडी करना इज योर सोशोलॉजी. अगर आप इन सिंपलेस्ट मीनिंग्स देखो तो स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन इज योर सोशोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन. अब आप बोलोगे सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? सोशल इंस्टीट्यूशन इज योर इम्पोर्टेंट. इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? दे आर योर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर. दैट मीन्स अगर कोई चीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रही है, चेक में रख रही है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपकी सोसाइटी के लिए. अब देखो, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके कुछ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लोगों को फॉलो करने होते हैं उस इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए. फाइन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं. अगर आप नहीं करोगे तो कोलैप्स हो जाएगा ये इंस्टीट्यूशन. फाइन, तो आप इन रूल्स को फॉलो करते हो, दैट कीप्स योर इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट, विच इन टर्न कीप्स योर सोसाइटी गोइंग. ठीक है, तो सोसाइटी के लिए आपको इन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना होता है और इन इंस्टीट्यूशंस के रूल्स को फॉलो करना होता है, और ये इन टर्न आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. तो सोशोलॉजी क्या करता है? सोशोलॉजी इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस को और सोसाइटी को स्टडी करता है. फैमिली, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपके सोसाइटी के. ठीक है, तो देखते हैं सोशोलॉजी है ये इवॉल्व हुई थी. जब ये इवॉल्व हुई थी इट हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंसेस. अब देखो, जब ये इवॉल्व हुई दैट मीन जो अर्लियर थिंकर सोशल साइंटिस्ट थे वो चाहते थे कि ये किस पे मॉडल हो, व्हाट शुड सोशोलॉजी बी मॉडल्ड ऑन. तो उनका ये मानना था कि ये आपकी सेम उस तरीके से पढ़ाई हो, सोशोलॉजी की रिसर्च हो, जैसे आपके नेचुरल साइंसेज होते हैं. अब आप बोलोगे नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस होता है बेसिकली जिसमें आप वर्ल्ड को स्टडी करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस हो जो आप ऑब्जर्व कर सको, वो एविडेंस हो जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर सको या टेस्ट कर सको. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप कोई बात बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि जब मर्क्यूरी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो एक्सपैंड होती है, तो ये आप बात सिर्फ मुंह से बोल रहे हो उतना काफी नहीं है, आपको प्रूव करनी होगी अपनी बात. तो वैसे ही सोशल थिंकर्स का मानना था, जैसे हम नेचुरल साइंसेस को पढ़ते हैं दैट मीन्स हम बात को प्रूव करते हैं, हम बात को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही हमें सोसाइटी को भी स्टडी करना होगा. बट लेटर ऑन इसके काउंटर करंट्स काफी आ गए थे जिन्होंने इसको, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि सोसाइटी बेसिकली जब आप साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो नेचुरल साइंसेज में तो आप लेबोरेटरी में वो करते हो. जैसे मैंने मर्क्यूरी की एग्जाम्पल ली, आप थर्मामीटर को लैब में लेके जाओ और एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन सोसाइटी में आप किनको स्टडी कर रहे हो? सोसाइटी को. सोशोलॉजी में आप किसको स्टडी कर रहे हो? सोसाइटी को.
सोसाइटी कौन फॉर्म करता है? आपके लोग। तो अब लोगों को लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट नहीं कर सकते, उनको ऑब्जर्व, उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसमें आ गए सामने, ये हमें इन डिटेल आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब ये देख लो, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वर व्यूड इन टर्म्स ऑफ देयर रोल्स एंड फंक्शनैलिटीज एंड ड्रिवन बाय सम फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। काउंटर करंट्स की भी हमने बात की। अब सोशियोलॉजी जो है, इट इज अबाउट स्टडी, इट इज अबाउट सोसाइटी, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद द एक्टर्स। ठीक है, आपको मैंने इंस्टीट्यूशन भी बोला, उनका क्या रिलेशन है एक्टर्स के साथ, उसको हम डीपली स्टडी करते हैं। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन भी देखता है। अब पैटर्न इन सोशल इंटरेक्शन क्या हुआ? देखो, जैसे आप अपने टीचर से बात करते हो, वो तरीका काफी अलग होता है आपके फ्रेंड के बात करने से। आप अपने डैड के साथ अलग तरीके से बात करते हो, आप अपने सिस्टर के साथ अलग तरीके से बात करते हो। और ऐसा क्यों होता है? और किस सोसाइटी में, कोई सोसाइटी होगी जिसमें डैड के साथ काफी फ्रेंडली एटीट्यूड होगा, ठीक है, और कोई सोसाइटी होगी जिसमें आप अपने फादर के साथ उतने फ्रेंडली माहौल में फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो, फ्रेंडली आपका एटीट्यूड नहीं होता आपके फादर की तरफ। तो हर सोसाइटी का अलग है। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो इन्हीं पैटर्न्स जो है सोशल इंटरेक्शंस में, उनको नोटिस करता है और उनको स्टडी करता है। तो बेसिकली व्हेन यू एंड आई डू सच स्टडीज एज पार्ट ऑफ अवर रूटीन लाइफ, वो हम रोज करते हैं। आप देख लो, कॉलोनी में कोई है, ठीक है, कोई एक आंटी है, कोई अंकल है, जो हैबिचुअल है ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अच्छा किसकी किसके साथ आज बात हो रही है। हर सोसाइटी में ऐसा इंसान होता है, किसकी किससे बात हो रही है, कौन किससे बात नहीं कर रहा है। तो क्या आप उनको भी एक सोशियोलॉजिस्ट बोलोगे? अब हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है सोशियोलॉजिस्ट जो बेसिस है, वो जो अर्ली थिंकर्स है उन्हें कहा था, वो नेचुरल साइंस के बेसिस पे होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे कॉमन सेंस की भी बात आ जाएगी, कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन। अब सोशियोलॉजी क्या कॉमन सेंस नॉलेज है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो सोसाइटी में एक ऐसी अंकल आंटी है जो स्टडी करता है हर इंसान के पैटर्न और बिहेवियर, आना जाना सब कुछ, किसकी किससे बात हो रही है, कौन किसके साथ कैसे बात कर रहा है, वो अपने कॉमन सेंस नॉलेज के बेसिस पे कर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट भी आता है, क्या सोशियोलॉजी, फिर अगर आप स्टडी ऑफ सोसाइटी बोल रहे हो, तो क्या सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस्ड है? क्योंकि स्टडी ऑफ सोसाइटी तो हर कोई कर सकता है। तो ये हमें आगे इसके डिफरेंसेस हम देखेंगे, हमारा सब टॉपिक है इसमें सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बस आपको इंट्रो दे रही हूँ। और जो सोशियोलॉजिकल थॉट है, दे वर ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम द डे व्हेन ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्ड ए थिंकिंग ब्रेन। सोशियोलॉजिकल थॉट काफी पहले से थे, आपको पता है सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी अराउंड आई, ठीक है, यंग साइंस है ये। वो किस टाइम पे आई, जब हम मॉडर्निटी की बातें करने लगे, तब सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज हुई, फाइन। लेकिन एरिस्टोटल ने ये कब कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, इन्होंने ये बात काफी पहले कही थी। या आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र जो कौतल्या ने लिखी थी, जिसमें पॉलिटिक्स की, सोसाइटी की, स्टेट्समैनशिप की बात हुई थी। तो सोशियोलॉजी को फॉर्मल डिसिप्लिन लाने से पहले भी सोसाइटी की बातें हुई, ठीक है। अब फिर आगे क्या हुआ, जब डिसिप्लिन लाया गया, तो वो बातें अब सिस्टमैटिक होने लगी, एक तरीके में होने लगी, एक सलीके में होने लगी, ठीक है। अब कोई भी उठ के कोई रैंडम सोशियोलॉजिकल थॉट्स नहीं बोल रहा है, आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंडर सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, इस वीडियो में इतना कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट में हम कवर करेंगे हमारा मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव मी अ थम्स अप, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आप चाहते हैं कि सोशियोलॉजी सोसाइटी रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए कि मैं अपलोड करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो जब तक मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।